حي على الفلاح अलादीन हे मौला मेरे बेटे अलादीन को इतनी हिम्मत देना कि वो हर मुसीबत का सामना कर पाए। भाभी जान, चाची, भाभी जान, चाची, भाभी, चाची। अब थूक भी दो। रुखसार, मेरी बहन रुखसार, 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 रुखसार। क्या हुआ रुखसार, परेशान लग रही हो? बताओ, नाज़नीन को बताओ किस बात की परेशानी है? जी मैं वो जरा अकेली है ना बेचारी, परेशान तो होंगी ना। अरे लानत भेजो, अकेली क्यों होने लगी? नाज़नीन मर गई है क्या? बैठो रुखसार, बैठो। तुमसे मोहब्बत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि तुमसे बात करने के लिए नाज़नीन ने 2 पैसे के तूकदान में 1 पैसे का पान थूक दिया। चाची पानी। गुलबदन बेटा ये चोट कैसे लगी? बचाओ 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 बचाओ। चाची वो मेरे भाई अलादीन ने ना कमबख्त मस्करा अलादीन की तरह करतब कर रहा था, चोट लग गई। बेटा फिक्र मत कर, तेरी चाची तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना देगी। क्यों? कहवा की केटली है, पूरे 7 अशरफियों की है। नाज़नीन लाई है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? भाभी तो कबूल फरमाइए। अरे नहीं नहीं मैं रख लीजिए भाभी, रख लीजिए, लीजिए ना चाची। ले लो ना रुखसार, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ रख लीजिए भाभी। ठीक है ले लीजिए, लीजिए ले लो ना, तुम्हारे लिए है। पहली बार किसी को कुछ दे रही है ना। शुक्रिया। चलो। अरे भाभी हाँ, जुमेरात को अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है मैंने, आप लोग आइएगा। अब जाएंगे हाँ? हाँ। अपना ख्याल रखना हाँ? किसी चीज की जरूरत हो तो हाँ, याद करना। हाँ, हाँ, बुला लेंगे। चलो नाज़नीन भाभी को क्या हो गया अचानक? वैसे आप इस रेगिस्तान में अकेले कैसे रहते हैं, वो भी इस उम्र में? इस उम्र में मतलब? अब मतलब बुढ़ापे। से तो आप बहुत दूर हैं, बूढ़े थोड़ी ना आप, तो जवान हैं जवान, और लौंडे भी। बादाम खाएंगे? बादाम खाने से अकल आती है, ऐसा मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, ऐसा मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है। वाह आप तो बहुत समझदार हैं। और तुम बहुत बहादुर, अभी तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई जो तुमसे लड़ रहा था। गरीब हूं ना, गरीबों को तो बचाने की आदत होती है, पैसा आता है तो पैसा बचाते हैं, पानी आता है तो पानी बचाते हैं। आप आए, आपको बचा लिया। मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए, लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम दूसरों की मदद करने आए तो फिर दूसरे क्या करने आए। बहुत उम्दा परवरिश दी है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें। वो यकीनन एक नेक औरत होंगी। नेक, खूबसूरत, समझदार, बस यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। ख्वाब कोई तारे गिन गिन करते करते तक दिनादिन बुना ही होगा। आ गए हैं अच्छे दिन, क्योंकि मैं हूँ अलादीन। नाम तो सुना ही होगा। वैसे आप कौन? जान लो इतना, दुनिया वाले कहते हैं हिम्मत वाला हूँ, एक चिराग है जादू का, मैं उसका रखवाला हूँ। वाह वाह वाह, आप तो बिल्कुल मेरी तरह शायर हैं। मेरे साथ आप कुछ और दिन रहेंगे ना तो और अच्छी शायरी बोलने लगेंगे। तो आज से मैं आपका उस्ताद। मतलब आप मेरे उस्ताद? तो उस्ताद जी, हम जा कहाँ रहे हैं? जादुई गुफा की तरफ, जहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश में तुमने सारे इम्तिहान पार किए हैं। चिराग। जादुई गुफा। अब और ये चिराग है क्या? इस तक पहुंचने के लिए इतनी सारी जादुई मुश्किलें क्यों? और आप इसे जादुई चिराग क्यों बोलते हैं? वहां पहुंचते ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुपचाप मेरे पीछे आओ। चुपचाप मेरे पीछे आओ। मैं क्यों आपके पीछे आऊं? आप मेरे आगे चलो। ये तो अभी बच्चा है, ना दुनिया की समझ है ना दुनियादारी की। क्या यही चिराग और जिन का आका बनेगा? कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। लगता है मेरी किस्मत में लिखा है। पूरी जिंदगी भर शहजादी के लिए इंतजार करते रहना। हमें शहजादी को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अम्मी अब्बा हुजूर के साथ हिंदुस्तान क्या चली गई, तुम ही हमारी अम्मी बन गई हो। अम्मी आप आ गई। हाँ, काश हम आपकी अम्मी होते। आपको ना इन सब हरकतों की वजह से बहुत डांटते। हम आपको बाहर ही नहीं जाने देते। आपको पता है हमें आपकी कितनी फिक्र लगी रहती है हमेशा। आपके हिस्से का खाना भी हम ही खाते ताकि किसी को शक ना हो। आपकी दोस्ती के खातिर हम अपना वजन बढ़ाए जा रहे हैं। एक लड़की के लिए ना इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती शहजादी। देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी मुल्क की परेशानियां समझना भी जरूरी है ना। लेकिन शहजादी, आपको एक बार वजीर आला से बात कर लेनी चाहिए। सबको पता है यहाँ कि वो कितने वफादार है आपके अब्बा हुजूर के लिए। हम मानते हैं वो वफादार है, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ है और लोगों का गम उनके बीच जाके पता चलता है। बस बिकती, हम वही कोशिश कर रहे हैं। पर शहजादी, बस बिकती, उस काले चोर ने हमें पहले ही बहुत हैरान कर दिया है। तुम और परेशान मत करो। फिर से ये काला चोर, ये आपको हर जगह मिल कैसे जाता है? और वैसे ये सलीम खिलजी के अस्तबल में क्या कर रहा था? हम नहीं जानते, पर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत ही जरूरी चीज की तलाश में जाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी चला के आप मुझे इस दीवार पर लेके आए। हाँ, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे जादुई गुफा ले जाएंगे। जहां जाना था वहीं लेकर आया हूं। सारे खतरे करके पार आया चिराग का असली हकदार। कहता है चिराग का रखवाला, खोल दे तिलस्मी गुफा का ताला। बेटे की तुम जादुई गुफा? हाँ, यही है जादुई गुफा और यही मिलेगा वो चराग। जा, किस्मत में जो लिखा है उसे पूरा कर दे। यहां तक लाने के लिए शुक्रिया उस्ताद जी। आप और पहाड़ तोड़ मेरा इंतजार कीजिए, मैं चिराग लाने यूं गया और यूं आया। बच्चे, कोई नहीं जानता कि जादुई गुफा में क्या है। तेरे सामने सारी उम्र पड़ी है, अभी भी वक्त है, लौट जा। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। आप फिक्र मत कीजिए उस्ताद जी, यहां तक हिम्मत काम आई है, आगे दुआ काम आएगी। ऊपर वाला तुझे कामयाबी दे, पर एक बात याद रखना, राहें गलत आ जाएं तो तू उन पर निकल जाना नहीं, हो कैसा भी लालच सामने तू फिसल जाना नहीं। और ये मेरी हद है बच्चे, इसके आगे तू और तेरी किस्मत जाएंगे। शुक्रिया। दिल हो बच्चे, उम्मीद है दोबारा जरूर मुलाकात होगी। बेटे की तुम, इतनी बड़ी गुफा? रोशनी सामने से आ रही है। देगी तुम? तैरते हुए पत्थर, शक्ल पत्थरों वाली और हरकतें मगरमच्छ वाली। पत्थर होकर तैरते हुए शर्म नहीं आती? अम्मी के लिए यहां तक आया, पीछे हटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। बड़े ही गिरे हुए पत्थर थे। इतना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो मैं ही हूं और ये आईना है। तभी तो मैं कहूं कि इस गुफा में इतना बाका चेला कौन। अम्मी कहती है जहां रोशनी की थोड़ी सी भी किरण होती है वहां अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। कैसा जमाना आ गया है। हीरा, मोती, सोना, चांदी सब ननवा, भिंडी, लौकी की तरह बिखरे हुए हैं, फिर भी सब उस पुराने चिराग के पीछे।